नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बार फिर प्रोग्राम जन्मकुंडली के साथ आपके अपने चैनल जे के एस्ट्रोलॉजी पर, और आज मैं विशेष तौर पर चर्चा करने वाला हूँ सूर्य के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन, जिसको हम बोल देते हैं कि कर्क राशि में, कैंसर राशि में सूर्य की एंट्री होगी। जबकि मेरा मानना है कि धरती अपने चक्र में जब घूमती है तो कैंसर राशि सूर्य के सामने आ जाती है, और सूर्य की सीधी किरणें जो है वो कैंसर राशि या लग्न पर पड़ती हैं, तो उसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें देखना यह है कि जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो अर्ली इन द मॉर्निंग होगा, और उस समय के दौरान जो हमारे पास जो स्थितियां होंगी उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें कैंसर राशि की बात अगर हम करें, तो कैंसर राशि के मेरे मित्रों कहना चाहूंगा कि ये समय आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जो है लाभदायक है, उन लोगों के लिए खासतौर पर अच्छा रहेगा जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये कैंसर राशि आपके आपकी जॉब में आपको बहुत सहायता करेगी। अगर आप इस दौरान किसी तरह के कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो आपको कंपटीशन में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कैंसर राशि में सूर्य का परिवर्तन जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और साथ ही साथ देख पा रहा हूँ कि आप जो नीरस थे, उदास थे, अब आपकी हिम्मत जो है बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अब आपकी कई पास कई प्रकार की प्लानिंग होगी, लेकिन समस्या यही है जिस पे आप बड़ी गलती कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ शुरू कर लेंगे जो अवाई नेचर आप कर लेते हैं, तब आप इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। सूर्य की पूरी रोशनी होते हुए भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंधकार में पा सकते हैं, तो कंपटीशन में भाग लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको जॉब इंटरव्यू में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ क्योंकि सूर्य आपकी राशि के ऊपर आ रहा है, और ये राशि के ऊपर जब आएगा तो एक चीज हमेशा रहती है कि अगर आप कमजोर स्थिति में, आपका गुस्सा बहुत बढ़ सकता है, तो गुस्से पे काबू रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, कोई आप में से बहुत सारे लोग हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। वहीं यह जो राशि परिवर्तन है, एक एक स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा, और 19 जुलाई के बाद उन लोगों के लिए खासतौर पर अच्छा होगा जो लोग शादी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो शादी के लिए आपका अच्छा ऑप्शन होगा। शादी के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, नया प्रपोजल आपको मिल सकता है, नई पार्टनरशिप डील आपको मिल सकती है जो जो आपके जॉब और बिजनेस से जुड़ी हुई हो सकती है। आपके आपको आपके प्रमोशन के चांसेस भी इस दौरान जो है वो आगे बढ़ते हुए बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे और मैं देखूंगा कि क्योंकि सूर्य एक महीने के लिए इस राशि में आएगा, तो 19 जुलाई के बाद ये काफी अच्छा योग आपके लिए लेके आएगा, तरक्की लेके। लेकिन 2 अगस्त के बाद आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, जो आपकी हेल्थ को खासतौर पे, जैसे मैंने कहा कि किस तरह का हेल्थ इशू, अगर आप ऑन गोइंग हेल्थ इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये स्थिति जो है वो आपके बच्चों के साथ आपके जो संबंध है उनको कहीं ना कहीं खराब करने में काफी बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकती है। तो कैंसर राशि के मित्रों को बहुत समझदारी के साथ काम करना होगा, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना के रखें, अपने संबंधियों के साथ, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, गुस्से को काम डाउन करें, और साथ ही साथ किस तरह की कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी को लेके कोई डील जब खरीदने बेचने का विचार जो है वो मन में आ सकता है। तो इस तरह से ये कुछ मिले जुले फल होंगे। अगर आपकी कुंडली इनमें से किसी भी चीज के साथ सपोर्ट करती हुई, और आपका कैंसर लग्न, कैंसर राशि, कैंसर सनसाइन है आपका, या आपके नाम का जो आपके नाम की राशि है वो कैंसर है, तो आप इन चीजों से गुजर सकते हैं और इन चीजों का आपको लाभ या हानि हो सकती है। तो बी केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लियो राशि के मित्रों के साथ। लियो राशि के लिए ये समय जरूर चिंता का समय होगा क्योंकि आपके राशि लॉर्ड, आपके लगन के लॉर्ड, आपके सन लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में चले जाएंगे, तो ये चीज कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय दिखा रही है। और चिंता जहां आपको खुद आपकी अपनी हेल्थ की रहेगी, वहीं आपको एक्सटर्नल मैटर जो है, दूर बैठे हुए लोग हैं उनकी चिंता हो सकती है, देश विदेश में बैठे हुए अपने बहन भाइयों की, पारिवारिक मेंबरों की चिंता हो सकती है, और वहीं 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 साथ की साथ ये आपको आपकी संतान से जुड़ी हुई कोई चिंता भी दे सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो संतान प्राप्ति के योग है, लेकिन साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है। जो लोग संतान अभी तक जिनको नहीं है, उनके यहाँ संतान कंसीविंग का योग बना हुआ है तो आप कंसीव कर सकते हैं, जिनके यहाँ ऑलरेडी जिन्होंने कंसीव कर रखा है और लेबर टाइम बिल्कुल निकट है तो उनको थोड़ा सावधान रहना होगा। जो ऑलरेडी मिड ऑफ अपने लेबर है, प्रेगनेंसी है, तो मैं उनको कहूँगा कि भाई अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर काबू रखें, अपने गुस्से को काबू रखूँ, जो आपकी हेल्थ को और आपके बच्चे को दोनों को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और वहीं साथ ही साथ आपके मन में बहुत सारी स्पोर्ट्स को लेके, एंटरटेनमेंट को लेके चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं जिसको लेके आप करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं मंत्र सिद्धि के बारे में, पूजा पाठ के बारे में भी आपका रुझान बढ़ेगा। जो लोग एजुकेशन में हैं उनको
एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेनी पड़ सकती है, क्योंकि आजकल हमें पता है कि सिस्टम सारा जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से अस्त व्यस्त हो गया है कि छुट्टियां भी चल रही हैं और कई जगह पे पढ़ाई अभी शुरू हो चुकी है। तो कुल मिला के पढ़ाई के मामले में एक स्ट्रेसफुल टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो बनाने पड़ेंगे। वहीं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि यही समय जो है आपको आपकी नौकरी में किस तरह का फेरबदल दे सकता है। अगर आप जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आपको वहां पे असफलता मिल सकती है, लेकिन जो लोग खुद बिजनेस रन करते हैं उनके लिए समय निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। और खास तौर पे अगर जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं या हेल्थ से जुड़ी हुई जो सर्विसेज प्रदान करते हैं या हेल्थ सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए समय निश्चित तौर पे काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी 19 ऑफ जुलाई के बाद चीजें आपके लिए बेहतर होंगी जॉब के मामले में, लेकिन कुछ लोगों की जॉब जो है आपके हाथों से जा भी सकती है, चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे जो सेक्टर मैंने बताया, अगर उन फील्ड में आप हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन ये समय कुछ देर बाद 2 अगस्त के बाद मैं देख रहा हूँ कि लियो राशि के मित्रों को अनएक्सपेक्टेड जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके जो काम बिगड़ रहे हैं, जो आपको जो चिंताएं हो रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, वो टाइम के साथ ठीक होती चली जाएंगी और एक अच्छा ऑप्शन जो है वो आप लोगों के सामने आएगा और आप लाभ की ओर बढ़ेंगे। कुछ फाइनेंशियल गेन होने के योग बने हुए हैं, परिवार में किसी की एंट्री हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, किसी को कोई मिल सकता है, आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये सूर्य जो है जब कैंसर राशि में आएगा तो इस तरह से सिंह राशि के मेरे मित्रों को वो प्रभावित करेगा। बात करूं कन्या राशि के मेरे मित्रों की, तो कन्या राशि के मित्रों को कहना चाहूंगा कि आपके लिए सूर्य का परिवर्तन कैंसर राशि में जो आ रहा है वो एक अच्छा परिवर्तन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें सीधा सीधा उन लोगों के लिए जो किसी कंपटीशन एजुकेशनल कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जो हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो घर के अंदर कुछ एक्सटेंशन करना चाहते हैं, घर से जुड़ी हुई चीजें उनको करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा है, और जो गाड़ी बदलना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने की इच्छा रखते हैं, जिनकी इच्छा नहीं वो इच्छा पूरी होने का समय कहीं ना कहीं आप लोगों का इस समय के दौरान बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय के दौरान आपको अपनी मदर के साथ या एल्डरली लेडी जो घर में है उनके साथ अच्छे संबंधों को भी रखना होगा, और ये चीज सिलसिला ऐसे होगा कि जैसे चीजें हो रही हैं लेकिन बीच बीच में कुछ रुकावट भी हो रही है, इस तरह से रुकावट लेकर ये चीजें आपकी जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो कन्या राशि के जो मेरे मित्र हैं उनके लिए राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है। उन लोगों के लिए विशेष तौर पे अच्छा है जिनके अभी तक बच्चे नहीं थे, तो बच्चों को लेकर जो भी आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट थी या आप कहीं से कोई कुछ और ब्लेसिंग आपको मिल सकती है तो आप कंसीव कर सकती हैं, और जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं तो आप अपने बच्चों के लिए काफी उनकी ओर से आपको कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। हो सकता है कि उनकी एंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है उनको जॉब मिल जाए, उनके किसी चीज में बहुत अच्छा करें, ऐसी भी संभावनाएं हैं। तो कुल मिला के बच्चों के मामले में ये सूर्य परिवर्तन कन्या राशि के मेरे मित्रों के लिए काफी अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मैं देख रहा हूं कि करियर वाइज कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस देगा लेकिन डिले के साथ देगा, तो अपनी प्रोग्रेस को लेके चिंता मत करें क्योंकि प्रोग्रेस होनी है, आप अच्छा अपना स्टैंड बना पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सूर्य धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उस तरह से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, उस तरह की स्थितियां जो हैं आपकी फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि ये स्थितियां जो है कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का ट्रांजिट जो है वो काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये मैटर डिपेंड करता है सारी चीज के ऊपर, क्या आपकी जन्म कुंडली इन सब चीजों को के साथ कनेक्टेड है, क्या आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति और बाकी ग्रहों की स्थिति जिस तरह से अब वर्तमान में ग्रहों की स्थिति है उसके पैरेलल बिल्कुल कंपैटिबल है। अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपको कोई लाभ ना हो, तो इसमें आपको निराशा भी हो सकती है, लेकिन फिर भी सूर्य एक रोशनी है और यह रोशनी खास अंगों पर आपके जीवन के खास फील्ड के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दाएं बाएं से होके, लेफ्ट राइट से होके आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। अब आपके अपने ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से एक्शन लेके, एफर्ट बना के इन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बात करूं लिब्रा राशि की, तो लिब्रा राशि अगर मैं देखूं तो आपके करियर में सूर्य की एंट्री होगी, यानी कि 10th हाउस में सूर्य की एंट्री होने जा रही है। तो सूर्य की 10th हाउस में एंट्री दिखा रही है कि सबसे पहले ऑफिशियल लाइफ जो है आपकी, आपकी जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, उसमें कुछ परिवर्तन होने के योग है। तो उसमें आपकी इच्छा के अनुसार परिवर्तन होने के योग है, ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी इच्छा के अनुसार परिवर्तन होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई ऑफिशियल काम रुका हुआ है, अगर आप कोई कोई ऑफिशियल काम जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री से रुका हुआ है, होम ऑफिस से रुका हुआ है,
वीजा से रिलेटेड रुका हुआ है, कोई आपने कोई परमानेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है, या आपने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा, तो इस तरह से आपके जो ये काम है वो साथ साथ होते चले जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है लिब्रा राशि वालों के लिए, ये एक सफलता की ओर आगे लेके जा रहा है, चाहे वो आपका अपना बिजनेस प्रोफेशन हो, चाहे आपकी जॉब हो, या आपका कोई भी ऑफिशियल काम जो रुका हुआ है, जिसपे कोई चीजें नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं उस पर प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। बिगिनिंग में तो कुछ चीजें ऐसे ही हो रही हैं, लेकिन क्या ये चीजें आगे ऐसे चलती रहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल आगे भी ऐसी चलती रहेंगी। और खास तौर पर लिब्रा राशि के उन लोगों के लिए ये चीज काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं, जो लोग गाड़ी को बेचना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा हो सकता है और आप उसमें काफी ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद ये करता हूं कि इसके माध्यम से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और ये स्थितियां जो है आपके लिए लाभदायक होंगी। मतलब इतने दिनों से रुका हुआ प्रॉपर्टी का काम जो है वो आपका सफलता की ओर आगे जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप लोग इस सूर्य के ट्रांजिट से काफी कुछ हासिल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये स्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं इस तरह से आपके लिए करेंगी? नहीं, साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि ये स्थितियां कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप कर रही हैं, क्योंकि मरकरी जो है बिल्कुल सूर्य के साथ साथ चलते हैं, तो मरकरी भी इस दौरान चेंज होकर सूर्य का साथ लेंगे। और 10th हाउस का मरकरी 12th हाउस का लॉर्ड होके 10th में आएगा, तो ये निश्चित तौर पर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूर देश से जुड़ी हुई चीजें हैं, कहीं एक स्टेट से दूसरी स्टेट इंटर सिटी आप काम करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी आपका जाने का होता है, तब तो ठीक है, नहीं तो ये कुछ मुश्किलें आपके लिए लेके आ सकता है। तो हेल्थ से जुड़ी हुई मुश्किलें भी आपके सामने आ सकती हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान दें और बाकी सब चीजों के ऊपर बड़े धीरज के साथ, पेशेंस के साथ आप करें, तो ये निश्चित तौर पर सूर्य आपकी राशि के लिए एक शत्रु प्लैनेट माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि लिब्रा राशि वाले इस सूर्य के ट्रांजिट से काफी ज्यादा लाभ जो है वो ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बात करूं स्कॉर्पियो राशि की, स्कॉर्पियो राशि के मेरे मित्रों के लिए कहना चाहूंगा, भाग्य स्थान में सूर्य की एंट्री अपने आप में भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आपको आपके भाग्य से, आपके अपने बड़ों से, आपके परिवार से, एक्सटेंडेड फैमिली से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके लिए इस समय जरूरी है और उसका आप लाभ ले पाएंगे। वहीं धन की वृद्धि हुई दिखाई दे रही है, धन से जुड़े कुछ मसले हैं आपके, वो जो जिनको लेके आप चिंतित हैं, चाहे वो देन लेन के हैं, चाहे कुछ पैसे हैं आपके कहीं ब्लॉक हुए हैं, चाहे आप उनको इन्वेस्ट करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता ऐसे बन रहा है जो आपके लिए एक अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। तो मैं तो आपकी स्थिति को काफी पोजीशन को सूर्य के ट्रांजिट को लेके काफी खुश हूं। तो धन, भाग्य, फैमिली, इन सब चीजों के साथ इसका काफी गहरा कनेक्शन है। वहीं ये साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चिंताएं जरूर होंगी, लेकिन हमेशा ही बच्चों से जुड़ी हुई चिंताएं आपकी फेवर में आकर ही खड़ी हो जाएंगी। पहले की चिंता और बाद में आउटकम जो है उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा ही अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं साथ ही साथ स्कॉर्पियो राशि के मेरे मित्रों का स्थान परिवर्तन, घर के अंदर कुछ एक्सचेंज करने की बात हो सकती है, कुछ रेनोवेशन की बात हो सकती है, आप नया घर लेने की बात कर सकते हैं, आप एक घर से दूसरे घर में मूव होने की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कॉर्पियो राशि के मेरे मित्रों के लिए घर आदि के लिए भी ये एक अच्छी स्थिति है। वहीं साथ साथ एजुकेशन से जुड़े हुए लोग जो हैं वो कुछ नया जानकारी, कुछ नया सीखना पढ़ना चाहेंगे, ऐसा भी है। ये बात अलग है कि वो उतना पूरा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन यस, आप कुछ एजुकेशन के मामले में कुछ नया करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। वहीं मैं देख रहा हूं कि ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा। खास तौर पे वर्टिगो जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, मसल स्टिफनेस है, खास तौर पे गर्दन के इर्द गिर्द की जो स्टिफनेस है वो आपको परेशान कर सकती है, उस चीज का ध्यान रखें। अगर आप पाइल से परेशान है तो आपको अपने खान पान के ऊपर जरूर ध्यान देना होगा। अगर आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सूर्य के इस परिवर्तन से बेहतरीन फल जो है वो आपको मिल सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें जो हेल्थ से जुड़ी हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो इस समय जो सबसे जरूरी बात आपको देनी है वो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करिएगा, फोर्सफुली चीजों को करने की बजाय अपने, कहते हैं ना कि अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग करें, अपने दिमाग का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अकल बड़ी के भैंस वाली बात आप ना करें, क्योंकि कई बार आप ऐसा कर देते हैं, इस बार आपको थोड़ा बचना होगा, तो इससे आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। वहीं बात करूं धनु राशि की मेरे मित्रों की,
तो धनु राशि के मित्रों कहना चाहेंगे, सूर्य अष्टम घर में आ रहा है, अष्टम घर का सूर्य बुरा नहीं होता है, ये एक अच्छी बात है, और आपका भाग्येश भी है, तो भाग्येश का अष्टम में आना इतना अच्छा नहीं, लेकिन अष्टम में आना सूर्य का अपने आप में अच्छा है, और उन लोगों के लिए खास तौर पे अच्छा है जो लोग किसी तरह से भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, छोटी बड़ी किसी तरह की भी कोई टेक्नीशियन जॉब है, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी किसी तरह का मेडिकल प्रोफेशन अगर आपका है तो ये आपके लिए अच्छा है। आपको अपनी वाणी पे एक विराम देना चाहिए, क्योंकि एक तो आप फायरी नेचर के पहले ही हैं, ऊपर से सूर्य अष्टम में आ गया है, तो ये आपको छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा दिला सकता है, तो गुस्से पे आपको सैजिटेरियन बॉन्ड जितने भी हैं धनुराशि के मित्र, उनको अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि गुस्सा आपके काम बिगाड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान दें। कोशिश ये करें कि कुछ बातों के ऊपर कई बार मौन रहना भी कई बार अच्छा होता है, यानी कि चुप लगा लेना भी अच्छा होता है, एक चुप पर सौ सुख, क्योंकि जब आपके अंदर से आवाज निकलेगी तो बात सच्ची होगी लेकिन कड़वी होगी, सामने वाले उसका बुरा मान सकते हैं, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक आपको होना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गाय सेवा करना, अपने बड़े भाई या अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखना इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय जो है वो साबित हो सकता है। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, धन से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, यात्रा से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, तो मैं कह सकता हूं धन लाभ, सडन धन लाभ आपको हो सकता है, कुछ रुका हुआ धन जो पहले से ही है वो आपको प्राप्त हो सकता है, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। वहीं किसी यात्रा को लेके आप परेशान हो सकते हैं, छोटी बड़ी यात्रा को करते समय आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ मुश्किलें जो है वो सामना करना पड़ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। वहीं आपकी पार्टनरशिप में आपको बहुत सावधान रहना होगा, कुछ लोग दिखाएंगे जैसे वो आपके वेल विशर हैं, लेकिन वो आपसे एडवांटेज लेंगे और फिर आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक सकते हैं। वहीं जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन के चांसेस भी बनने के योग हैं, तो इस तरह से कुल मिला के आपकी करियर वाइज जो है वो भी प्रोग्रेस इस सूर्य के परिवर्तन के साथ दिखाई दे रही है। तो those who are born in Sagittarius sign are going to have a good time apart from their anger and other health issues. So उनके ऊपर ही आपको ध्यान रखना है, rest of मैं कहूंगा rest of the things are absolutely fine. तो आप इन चीजों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो और सूर्य को जल देते रहें, ताकि सूर्य जो है वो शीतलता प्रदान करता रहे। धन्यवाद आपके लिए, और बात करूंगा कैप्रिकॉन राशि यानी कि मकर राशि के मित्रों के लिए कि ये सूर्य का परिवर्तन आप लोगों के लिए कैसे होने वाला है। तो आपके बिल्कुल आपकी राशि के ऑपोजिट सातवें घर में सूर्य बैठने वाले हैं, इसका मतलब है कि शत्रु जो लोग हैं, जो 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 आपके पार्टनर हैं, जो शत्रु हैं, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे आपको, और ये विचारिक मतभेद का समय हो सकता है, चीज का ध्यान रखना है। और वहीं शनि और सूर्य आमने सामने भी आ जाएंगे, तो इसलिए इस समय के दौरान नीरसता उदासीनता आपको घेर सकती है, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं शायद वो रास्ते आपको मिल नहीं पा रहे हैं, वैसे संसाधन नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए समस्याएं हो सकती है। पर मैं यही कहूंगा कि भाई दोनों ग्रह जो हैं ये राजा ग्रह हैं, किंग माना जाता है, एक रात का और दूसरा दिन का राजा होता है, तो आप कोशिश करें समय के दौरान अपने काम जो है इवनिंग टाइम से करने शुरू करें, अपनी प्लानिंग्स हैं उसके ऊपर एक्शन जो है डे टाइम में जो कर रहे हैं उसको लेके ज्यादा सीरियस ना हो, लेकिन उसको सही तरीके से करें, लेकिन उसको लेके ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन जैसे जैसे ही सनसेट की ओर बढ़ता है और आप डे जैसे दिन छुपने की ओर होता है, तो आपका शनि जो है वो एक्टिव होगा और आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे और उस हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्नी के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से अच्छा स्थितियां बनती हुई दिखाई दे, धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ससुराल आपकी जो है लॉज जो है आपके वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अकड़ जो है वो भी आपको, ईगो जो है वो भी आपको परेशान करती हुई दिखाई देगी। मुझे लगता है कि समय के साथ आपको खुद ही बदल लेना चाहिए, अगर आप नहीं बदलेंगे तो समस्याएं कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। वहीं साथ ही साथ देख पा रहा हूं कि ये समय जो है आपकी पत्नी की हेल्थ के लिए भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, पार्टनर की हेल्थ की समस्याएं भी साथ में हो सकती हैं, तो पति या पत्नी जो भी हो पार्टनर की हेल्थ को लेके कुछ कॉम्प्लिकेशन साथ में हो सकती हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है उनके ऊपर आप डालने की कोशिश ना करें। तो इस तरह से ये समय जो है बीच में जो है काफी परेशानी के लेकर आपके सामने अचानक से आ सकता है, तो आर्गुमेंट से बचें, एक एक दूसरे की सपोर्ट करने की कोशिश, और ऐसे आर्गुमेंट बिल्कुल भी ना करें जो जो 20 साल पहले हो चुकी बातें हैं, 10 साल पहले हो चुकी बातें, आप उनको लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको और आपके रिलेशनशिप को, आपके पार्टनर को परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको काफी मुश्किलें जो है वो उनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे कई लोगों को होगा कि अरे भाई मेरी जॉब में कुछ नहीं हो रहा है, मेरी प्रमोशन में कुछ नहीं हो रहा है, मुझे पे राइज कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे सवाल भी आपको परेशान कर रहे हैं, इन सवालों में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप पेशेंस रखेंगे,
हेल्थी रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ अच्छा संबंध रखेंगे, आल उल जलूल की चीजों के साथ आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो यकीन मानिएगा कि सूर्य का ये परिवर्तन आपको काफी आगे तक ले जाएगा। और अगर आपने इन झगड़ों को जन्म दिया या इन चीजों में आप उलझे, तो आपको कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है, पुलिस कंप्लेंट आपके अगेंस्ट हो सकती है, और शत्रु आपके जो जो जिनमें हिम्मत नहीं थी कि आपके सामने खड़े हों, वो भी अब आपके आंख सामने आके खड़े हो जाएंगे और आपको आंखें दिखाएंगे। इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप लोग ही होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ वर्क जो है, जॉब जो है, वो आपके ऊपर आ सकती है। आप इनको खुले दिल से इनका वेलकम करें और एक अच्छी स्थिति और अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में पेश करें, जो आप जनरली हैं। मेरा ये मानना है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और कर्म से जुड़े इंसान हैं। तो ये रहा कैप्रिकॉर्न का राशिफल, के किस तरह का सूर्य का ट्रांजिट जो है कैंसर राशि में आपको प्रभावित करेगा। बात करूं एक्वेरियस राशि यानी कि कुंभ राशि की, सूर्य आपका जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो सूर्य आपके सिक्स हाउस में आएंगे, तो ये गुस्से का कारण बन सकते हैं और उन लोगों के लिए खास तौर पे हैं जिनको किस तरह से पीठ में कोई तकलीफ रहती है, जिनको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ रहती है, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, जिनको स्किन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, जिनको आंखों की तकलीफ है, इन सब लोगों को जरूर ध्यान देना होगा कि ये आएंगे तो आपके लिए तरक्की लेकर, लेकिन साथ साथ कुछ ऑनगोइंग इश्यूज हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा, कहीं वो बढ़ ना जाए, इस चीज का ध्यान रखना। और गुस्सा सबसे ज्यादा आपका काम खराब करने में जो है योगदान जो है वो पैदा करेगा, इसलिए गुस्से का त्याग करना ही इस समय आपके लिए अच्छा होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, खर्चे जरूर इस समय के दौरान रहेंगे, वो अननेसेसरली भी हो सकते हैं, बिना कारण के भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये राशि जो है अपने आप में बहुत ही एक एक मैजिकल राशि है, बेसिकली देखा जाए तो कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाली राशि है। तो चाहे आपका इस समय खर्चा हो रहा है तो उसको आप अपनी इच्छा से एक यूजफुल वे में खर्च करें, ना कि यूं ही आपका खर्चा हो जाए। तो इस तरह से आप कुछ प्लानिंग कर लें कि आपको पैसे किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इस चीज का आपको ध्यान देना है। वहीं साथ ही साथ बिगिनिंग में आप जो लोग आप में से इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब नहीं है जिनके पास, उनको जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में है वो बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के जॉब या बिजनेस जो भी चीजें हैं, खासतौर पर जॉब देख रहा हूँ, बिजनेस तो खैर ठीक रहेगा, लेकिन जॉब जिनके पास है और जो जो प्राप्त करना चाहते हैं कुंभ राशि के मित्र, उनके लिए एक अच्छा समय सूर्य के इस ट्रांजिट से बनने वाला है। तो आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर कर आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। वहीं अगर मैं आगे चल के देखूं तो आपका आने वाले दिनों में संतान प्राप्ति के योग भी हैं। जो लोग संतान कामना करते हैं, संतान पाना चाहते हैं, उनके लिए संतान के रास्ते बनेंगे और संतान के साथ आपके अच्छे संबंध भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन वहीं संतान जहां अपने लेवल पे बहुत अच्छा करेगी, लेकिन आपके साथ आपको संतान को लेकर कुछ जाने अनजाने डर जो है वो परेशान करते रहेंगे, उनसे आपको थोड़ा अपने आप को बचाने की जरूरत है, डिस्ट्रैक्ट करें, ताकि कई बार होता है ना, कम छोटी छोटी बातों को लेकर नर्वस होते हैं, बहम करने लगते हैं, स्केप्टिकल हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसने कैसे क्यों किया, कहीं इसमें कुछ ये कुछ हाइट तो नहीं कर रहा। तो जब ऐसी नेचर हमारी बन जाती है तो अच्छे खासे चीजें भी कहीं ना कहीं जो है हम उनको खराब कर लेते हैं। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं आपको जो है वो बचना चाहिए, इससे ही लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। और ये राशि परिवर्तन सूर्य का जो एक्वेरियस राशि कुंभ राशि के लिए हो रहा है सिक्स हाउस में, ये अच्छा फल देते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपको खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और बात बनती चली जाएगी। बात करूं पाइसिस राशि की, मीन राशि के मेरे मित्रों के लिए सूर्य का राशि जो परिवर्तन है, सन ट्रांजिट जो है वो कैसा होने वाला है जो कैंसर राशि में होगा। तो सूर्य आप देखेंगे कि आपके पंचम भाव में सूर्य की एंट्री होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि उनकी चिंता रहेगी, उनको लेकर परेशानी हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची नहीं थी लेकिन ना जाने क्यों अब आपके पास आकर वो खड़ी हो गई है। तो इसलिए संतान को लेके कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो मैं देख रहा हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूं कि अगर इस समय के दौरान आप थोड़े क्रिएटिव हो जाते हैं तो ये आपके जॉब में आपको सम्मानित करता हुआ, आपको रिवॉर्ड देता हुआ समय आपके लिए सूर्य का होगा। तो आप संतान में ही उलझ के ना रह जाएं, आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं करने वाली जिनका लाभ आपको मिल सकता है। इस समय के दौरान अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उसका भी बहुत प्रबल योग बना हुआ है, जिससे आपके आपको अच्छे पैसे जो है वो मिल सकते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे रिसेशन चल रहा है तो हम परेशान हैं कि अरे क्या होगा कैसा होगा, लेकिन आप लकी हैं कि
कि आपको ये चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही, वहीं कहीं ना कहीं आपकी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। आप हो सकता है कोई छोटी और लंबी दूरी की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हो, ये आप ये हो सकता है। दूर देश में बैठे हुए अपने दोस्तों फैमिली मेंबर से आपका संपर्क लगातार बना रह सकता है, जो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर को आपको फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़े, जिसके लिए आपको थोड़े पैसे उनको भेजने पड़े। ये भी जो है कुछ सरकमस्टेंसेस इस सूर्य परिवर्तन के साथ बने हुए हैं। वहीं उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है, पैसे वालों के लिए, जो लोग प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय है। जहाँ बेचने की बात है, वहीं उस माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी आप इसका पूरा लाभ जो है वो ले सकते हैं। तो कुल मिला के मैं देख पा रहा हूँ कि पाइसिस राशि की जो स्थितियां हैं वो बेहतर हैं, और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर अगर आप उलझे रहेंगे तो कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। वहीं आप में से बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं खेल कूद में इंटरेस्ट रखने वाले, उनके लिए मौका मिलेगा, वो अपना खेल कूद का मनोरंजन का काम है वो करते रहेंगे, और साथ ही साथ आपका मन करेगा किस तरह की लॉटरी आदि करने का तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है करने में। लेकिन बहुत ज्यादा उसी चीज में उलझाना भी कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी की कोई इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करने का मन हो सकता है, जो इस समय के दौरान आप लोगों के लिए ठीक रह सकता है। तो कुल मिला के मीन राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बात करूं एरी राशि की, तो एरी राशि के मेरे मित्रों कहना का फोर्थ हाउस मीन सुख, आप लेजी हो सकते हैं, आप खूबसूरती, आपका मन हो सकता है लग्जरी के लिए, लेकिन साथ साथ आप लेजी हो सकते हैं, आप रेस्ट करना चाहते हैं, आपकी नेचर ऐसी होती है रिलैक्स करें, घर बैठे, ठीक है, कहीं कहीं आप सोचते हैं कि परिवार के साथ ज्यादा स्पेंड किया जाए, अपनी गाड़ी के पीछे आप लगे हुए हैं, गाड़ी को बदल लें, उसकी एमओटी करवा लें, उसका ये कर लें, मतलब ऐसी चीजें, गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन साथ ही साथ आप घर के अंदर है, मतलब और कामकाज से ज्यादा आपका फोकस इस ओर हो सकता है, ये चीज कहीं ना कहीं है। और दूसरी अगर मैं एरीज राशि की बात करूं तो ये भी हो सकता है कि इस समय के दौरान आपको आपके काम से कुछ समय के लिए ऑफ कर दिया जाए, और आप या आप खुद अपनी स्वेच्छा इच्छा से ऑफ ले लें और आप घर बैठ जाएं। तो मैं तो ये कहूंगा कि सामने से अगर कोई आपको मना करे, उससे बेहतर यही होता है कि आप खुद ही कुछ 1, 2, 3, 4 दिन की छुट्टी, 1 वीक की छुट्टी लेके घर बैठें और आराम करें, जैसे कि आपका स्टार आपको दिखा रहा है। अगर आप फोर्सफुली कुछ करने की कोशिश यहाँ वहां करते हैं तो इससे आप टायर्ड हो जाएंगे। उन लोगों के लिए जो किसी कंपटीशन, एजुकेशनल फील्ड में कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं, या जैसे कोई जॉब का कंपटीशन है, जो रिटर्न कंपटीशन है खासतौर पे, इसी राशि के वो लोग जरूर सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, और बिगिनिंग में ही अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो निश्चित तौर पर इसमें आपको एक अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप अपने कामकाज में व्यस्त हो जाएंगे, कामकाज के माध्यम से आपको लाभ होगा, प्रमोशन के योग आपके लिए बने हुए हैं, और सफलता जो है वो आपकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कोई छोटी यात्रा जो है वो आपकी हो सकती है, कोई रुका हुआ कम्युनिकेशन जो है आपका, चाहे किसी भी ऑफिशियल वर्क जो है कम्युनिकेशन है, किसी कोर्ट से आपको कुछ आया हुआ है, आपने उसका रिप्लाई करना है, या वहां से आपका ऑर्डर अभी तक आपको नहीं मिला है, आपने कोई चीज ऑर्डर कर रखी थी अभी तक आपके पास पहुंची नहीं है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है। यानी कि आपका जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके रुके हुए कार्य जो है वो बनते चले जाएंगे, और ये जो राशि परिवर्तन है सूर्य का, एरीज राशि के मेरे मित्रों के लिए, मेष राशि के मेरे मित्रों के लिए, कि अच्छा राशि परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फोर्सफुली ना करके एक अच्छे तरीके, सुनियोजित तरीके से अगर आप इसका इसका उपयोग करते हैं, अपने कामकाज को करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे इसका फायदा जो है वो ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करूं टॉरस राशि की, टॉरस राशि में तीसरे घर में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है जी, कैंसर राशि में, और कैंसर राशि में सूर्य का परिवर्तन होगा तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप अपने दोस्तों की ओर, सिबलिंग्स की ओर आपका जो बिहेवियर है वो बदला सा होगा, या तो आप उनके प्रति बहुत दयालु प्रकृति के हो जाएंगे, या फिर आप उनसे झगड़ा करेंगे, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो झगड़े से आपको बचना है, झगड़ा बिल्कुल ना करें, किसी ना किसी कारण से आपका अपने सिबलिंग के साथ झगड़ा हो सकता है, आपका गुस्सा जो है, एंगर जो है, मोर्निंग जो है, कंप्लेन जो आपकी उनके अंदर है, वो एकदम आप निकाल देंगे। तो अब जब इतना समय निकल गया तो आज ही क्या था, अभी क्या था कि आपको ये सब करना है, तो थोड़ी सी पेशेंस कहीं ना कहीं आपको रखनी होगी, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और सच्चाई ये है कि सूर्य जब तीसरे घर में आए तो दूसरों की गलतियां माफ कर देने में और नीडी पीपल की हेल्प करने से ही आपका भाग्य जो है, आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तो अगर आप इस महीने में कुछ खास प्राप्त करना चाहते हैं, जो कुछ रुका हुआ है, तो दूसरों की हेल्प करने से
आपको लाभ मिलेगा। काम काज को लेके कुछ मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं। काम काज में कोई इंसान आपके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकता है, या आप काम बदलने की ओर सोच सकते हैं। आप काम बदलना चाहें, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। आपको भी काम से कुछ ऑफ मिल सकता है। आपकी हेल्थ के कुछ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज है, जिनका वजन बहुत बढ़ रहा है, जिनको सिसाइटिस प्रॉब्लम है, यूरिन में किसी तरह का इन्फेक्शन है, जब बर्निंग होती है, कुछ भी कानों में तकलीफ है, आप लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं आप जरूर कुछ परेशानी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि बच्चे इतने बुरे नहीं है, वो धीरे धीरे करके आपकी बात को समझते चले जाएंगे। इसलिए आप बहुत ज्यादा उनको गलत ना समझें और बिल्कुल उनको इग्नोर भी ना करें और उनको बुरा बुरा ही ना कहें। उनको उनके साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करें। तो ये सूर्य का परिवर्तन आप लोगों के लिए, टॉरस राशि के मित्रों के लिए, एक अच्छा परिवर्तन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उपाय के रूप में जैसे मैंने कहा, नीडी पीपल की हेल्प करें। अगर हो सके तो देवी मंदिर में जाकर आप कुछ ना कुछ दान करते रहा करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। बात करूं जेमिनी राशि की, जेमिनी राशि का जो सूर्य परिवर्तन है वो सेकंड हाउस में हो रहा है। तो फैमिली है, फाइनेंस है, आपकी वाणी है, हर एक चीज के ऊपर आपका टेस्ट है, इसका प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो है वो काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। बिगनिंग में ये लाभ आपको जो दिखेगा वो निश्चित तौर पे आपके दोस्तों द्वारा, कहीं किसी दोस्त से आपकी अनबन भी हो सकती है, लेकिन कुछ सिबलिंग्स के साथ, देव दोस्तों के साथ के साथ से आपके फाइनेंशियल मैटर हल होते हुए दिखाई देते हैं, जिससे आपको लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा जो शादी के योग हैं। अभी तक उनकी शादी की बात नहीं बन पा रही है, तो इस समय के दौरान शादी से रिलेटेड कुछ चीजें आगे बढ़ सकती हैं। आपको कोई नया प्रपोजल मिल सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, कोई आपको आके किसी रिश्ते के बारे में सुझा सकता है। तो ये चीजें आपके लिए हो सकती हैं, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। अच्छा समय आप लोगों के लिए, लोग शादीशुदा हैं उनके लिए निश्चित तौर पर यह समय जो है बेहतरीन समय रहेगा। लेकिन समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन भी होंगे, जिसमें आप पाएंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ कॉम्प्लिकेशन जो है वो चल रही हैं, शुरू हो गई हैं। कुछ पुराने गड़े हुए मुर्दे आप लोगों ने छेड़ लिया, वो चीजें बार बार आपके सामने आ रही हैं। इन-लॉ से आपको सडन किसी तरह का लाभ, कंपनसेशन, कोई क्लेम कर रखा उस माध्यम से, या इन-लॉज के माध्यम से आपको हेल्प भी हो सकती है। इसलिए संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आपका जॉब में प्रमोशन का योग है तो वो प्रमोशन का नाम ही है, प्रमोशन होती हुई अभी मुझे दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप कोशिश करते हैं अपना बेस्ट दें ताकि आने वाले समय में आपकी प्रमोशन जो है वो हो जाए, ये आपके लिए अच्छा होगा। वहीं कामकाज को लेकर हल्की हल्की टेंशन रहेंगी, हेल्थ को लेकर टेंशन रहेंगी, तो इस तरह से ये चीजें आपकी रहेंगी। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो जेमिनी राशि वालों के लिए निश्चित तौर पे आपकी खुद की हेल्थ बहुत बड़ा एक मैटर जो है इस समय के दौरान रहेगी। तो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, ये जितना हो सकता है खान पीन का ध्यान रखें। बहुत तीखा खाना खाना इस समय, बहुत गर्म खाना खाना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर हेल्थ की वजह से कुछ है, कई बार सजेस्ट किया जाता है कि थोड़ी सी अल्कोहल ले, तो एज ए मेडिसिन आप उसको लें तो वो आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। धार्मिक कामों में आपको आगे नहीं होना है। कई बार होता है ना, कहीं कोई सोसाइटीज होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, आपको उसमें पार्टिसिपेट करने के, और फिर आप उसको अपनी जिम्मेवारी के साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपसे जेलस करना चाहे और आपको किस तरह से हर्ट करना चाहे। तो इससे बेहतर है कि धर्म जो है, धार्मिकता जो है, ये आपकी पर्सनल चीज है, इसमें लोगों की या भीड़ की जरूरत नहीं होती है। आप अपने लिए प्रैक्टिस करें और अपने इनर जो स्ट्रेंथ है, एनलाइटनमेंट है, उसको अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो कुल मिला के जेमिनी राशि वालों के लिए मिले जुले फल जो है मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि सूर्य का राशि परिवर्तन मेजॉरिटी कैंसर राशि में सब राशियों के लिए अच्छा है। हाँ, बीच बीच में कुछ मुश्किलें आ रही हैं। आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप अपने ब्रेन का प्रयोग करें और जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको दिए हैं, जिन जिन राशियों के दिए वो उपाय करके अपने अगर कॉम्प्लिकेशन उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं। जिनको अगर मैंने कोई उपाय नहीं दिया है तो वो जो प्रिकॉशन दिए हैं, उन प्रिकॉशन से ही अपने आप को आगे चलाने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपके कुछ मैटर्स मेरे राशिफल में छूट गए हैं और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे साथ, 07881202985 ये मेरा यूके का पर्सनल नंबर है, इस पे आप मुझे कॉल करने से बात कर सकते हैं। और आप मुझे हर हफ्ते में 3 बार जो है वो मुझे मिलते हैं लाइव प्रोग्राम में, जो बुधवार और संडे के दिन, जो वेनेसडे एंड संडे के दिन ठीक 5 PM रहता है यूके टाइम के हिसाब से।
YouTube के माध्यम से, यानी कि जेके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। वहीं फ्राइडे के दिन आप मुझे देख पाते हैं दोपहर 12 बजे यूके टाइम के हिसाब से, जो MATV चैनल के माध्यम से है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से है, फेसबुक के माध्यम से है। तो इस दौरान आप दुनिया भर में मुझे देखते हैं, अपने सवाल रखते हैं, उसमें आपके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आपके सामने में नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ आता रहता हूँ। अगर फिर भी आपका कोई सवाल आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा जेके एस्ट्रोलॉजी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ये सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको और नई नई जानकारी मिलती जाए। और एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरे लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़ते हैं उन सबके नंबरों को मैं एक पॉट में डालकर उसमें से एक लकी नंबर हम चूज करते हैं, और जिसका भी लकी नंबर हमें मिलता है हफ्ते में एक बार ऐसा हम करते हैं, उस नंबर पे मैं खुद कॉल बैक करके उस इंसान से चर्चा बात करता हूँ जिसका वो नंबर होता है, वो उसकी रीडिंग करता हूँ, पर्सनल रीडिंग, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं मैं आपको खुद कॉल करूंगा। इसलिए आप मुझे ज्वाइन करें, मेरे चैनल को ज्वाइन करें, मेरी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, आगे दूसरों को बताते चले जाएं। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो सूर्य का जो ट्रांजिट है आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा और आप इसे पूरा पूरा लाभ लेंगे और समझदारी से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका दिन, आपके आने वाला हर पल खूबसूरत हो, आप स्वस्थ रहें और खुशियां आपके आंगन में खेलते रहें। इन्हीं सब दुआओं के साथ आपसे जान लूंगा, मिलूंगा किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।